इंदौर में 2.5 साल की बच्ची खेलते हुए रास्ता भटककर घर से दूर निकल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस बच्ची को ढूंढकर घर लेकर आई तो परिवार भी हैरान रह गया। उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि उनकी बच्ची लापता हो गई थी। मामला बाणगंगा इलाके का है, जहां सरकारी स्कूल के पास शुक्रवार दोपहर 2.5 साल की बच्ची सड़क पर अकेली घूमती दिखी। बच्ची को अकेला देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बच्ची के परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी महिला डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक श्रद्धा पवार को सौंपी। बच्ची काफी छोटी थी और अपने घर के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। पुलिस ने बच्ची को बिस्किट और खिलौने दिलवाए। बच्ची का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिस जगह बच्ची घूमती हुई मिली, वहां आसपास करीब 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। कई घंटों तक बच्ची मशक्कत के बाद पुलिस को सोशल मीडिया से बच्ची के घर की जानकारी मिली। इसके बाद बच्ची को लेकर पुलिस घर पहुंची और पुलिस के साथ बच्ची को देखकर परिवार के लोग भी हैरान रह गए। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बच्ची लापता हो गई है। मेरी बेटी घूम गई थी, मैं थाना ही रिपोर्ट डलवाई मैंने, और मेरी मदद की गई यहाँ पर आके, मेरी बेटी ढूंढवाई गई पुलिस वालों के द्वारा। मेरी बेटी मेरा मतलब हवाले हुई है, मुझे मिली है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बाणगंगा पुलिस का कि मतलब मेरी बेटी मुझे ढूंढ के दी गई है। और मैं महेश यादव नगर बाणगंगा में रहती हूँ, गली नंबर 4 में। नहीं सर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मेरी बेटी मेरे को मिली है। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद है पुलिस का, बाणगंगा पुलिस का, कि मैं ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोला गया, मेरी बेटी ढूंढ के दी गई है। भाई कायदा।